आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति एक ऐसा अजगर साबित हो रहा है जिसे पाला आम आदमी पार्टी ने, और अब वो उसी को निकल रहा है। पहले जैन, फिर सिसोदिया और फिर आम आदमी पार्टी के कथित कालजाई संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कथित कट्टर ईमानदार नेता भी जांच एजेंसी के पंजे में फंसते चले जा रहे हैं। वहीं जांच एजेंसी की नजर अब संजय सिंह पर अटक गई है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है और क्यों बौखलाए हैं संजय सिंह, बताते हैं आपको। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अदालत में दाखिल चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है, हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। आरोपी से गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने बयान में केजरीवाल का नाम लिया है। इस मामले में संजय सिंह का नाम भी लिया गया है। उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो किस संजय सिंह की बात कर रहे थे। उनके नाम को लेकर अस्पष्टता है। वहीं संजय सिंह मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की नई चार्जशीट में मेरा नाम आना पीएम मोदी की मुझे जेल में डालने के तड़प का नतीजा है। बिना किसी सबूत के चार्जशीट में मेरा नाम डालने पर ईडी को गलती माननी पड़ी थी। प्रधानमंत्री को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मोदी जी मुझे जेल में डालने को तड़प रहे हैं और मुझे एक फोन करिए कि जांच में कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जेल में डालना है, मैं खुद चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अमित अरोड़ा का बयान है कि वो जून 2020 में मनीष सिसोदिया से मिला, तब संजय सिंह भी मौजूद थे, उसने एक MOU किया लेकिन वो पॉलिसी नहीं आई। चार्जशीट में ऐसी घटनाओं और MOU का जिक्र किया जा रहा है जिसका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट में लिखी झूठी बातों के आधार पर मेरे सहयोगियों पर छापेमारी हुई। मैं इस मामले में कोर्ट जाकर मोदी जी और ईडी को एक्सपोज करूंगा। वहीं ईडी ने भी इस मामले में पलटवार किया। ईडी के वकील ने कहा कि कोई नई चार्जशीट नहीं है। अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उन्हें समन किया है, उसी का जिक्र चर्चा में है, कोई नई चार्जशीट नहीं है। वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो पर ट्विटर यूजर्स ने भी पलटवार किया। एक यूजर ने लिखा कि संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई एक बड़बोले नेता की वजह से, इसी तरह संजय सिंह भी खत्म कर देंगे आम आदमी पार्टी को। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आप बस ये बताओ कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी को कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रही। इतिहास गवाह है कि दुनिया कोई चोर अपने आप को चोर नहीं समझता। बात क्लियर है, कोर्ट मान रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी अपने आप को निर्दोष बताते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी सिसोदिया को ये कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया है कि मामला गंभीर है। ऐसे में संजय सिंह की बेचैनी देख लोगों को लग रहा है कि अब वो भी जांच एजेंसी के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।